नमस्कार दोस्तों, MCQS की हॉर्टिकल्चर सीरीज में आज हम लेकर आए हैं MCQS ऑन ग्लेडियोलस। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं MCQS ऑन क्राइसेंथेम, तो अगर वो वीडियो आपको देखना है तो आई बटन में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ग्लेडियोलस कॉर्म इज, ग्लेडियोलस का जो कॉर्म होता है, ग्लेडियोलस का जो कॉर्म होता है वो ग्लेडियोलस के प्लांट का कौन सा मॉडिफाइड फॉर्म होता है। ऑप्शन ए है मॉडिफाइड स्टेम, ऑप्शन बी है मॉडिफाइड रूट, ऑप्शन सी है मॉडिफाइड लीफ, या ऑप्शन डी है मॉडिफाइड स्पाइक। तो जो ग्लेडियोलस का जो कॉर्म होता है, वो किसका मॉडिफाइड पार्ट है, तो वो है मॉडिफाइड स्टेम। वो क्या है, वो मॉडिफाइड स्टेम है, वो स्टेम का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ग्लेडियोलस बिलोंग टू द बोटनिकली फैमिली, ग्लेडियोलस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शन ए है कैरियोफाइलेसी, ऑप्शन बी है लिलियसी, ऑप्शन सी है एरिडेसी, या ऑप्शन डी है एग्वेसी। तो जो ग्लेडियोलस बिलोंग करता है इरिडेसी फैमिली से, जो कि सेफ्रोन की भी फैमिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टिप बेंडिंग ऑफ फॉलो इन विच क्रॉप, टिप बेंडिंग कौन सी क्रॉप में फॉलो किया जाते हैं, या कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है ट्यूबरोस, ऑप्शन बी है ग्लेडियोलस, ऑप्शन सी है मैरीगोल्ड, या ऑप्शन डी है कार्नेशन। तो जो टिप बेंडिंग है ये कौन सी क्रॉप से रिलेटेड है, तो ये ग्लेडियोलस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लेडियोलस इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड थ्रू, ग्लेडियोलस का जो कॉमर्शियली प्रोपोगेशन कौन सी विधि से या किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है सकर्स, ऑप्शन बी है ट्यूबर्स, ऑप्शन सी है कॉर्म, या ऑप्शन डी है कटिंग। तो जो ग्लेडियोलस का जो कॉमर्शियली प्रोपोगेशन होता है वो होता है कॉर्म के द्वारा, जो और कॉर्म किसका मॉडिफाइड फॉर्म है, तो कॉर्म स्टेम का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इन्फ्लोरेसेंस ऑफ ग्लेडियोलस फ्लावर इज नोन एज, ग्लेडियोलस का जो फ्लावर होता है उसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है कैप्टिटुलम, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी एस्पेडिक्स, ऑप्शन सी है रेसेम्स, या ऑप्शन डी है स्पाइक। तो जो ग्लेडियोलस का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको स्पाइक कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको स्पाइक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, टोपल डिसऑर्डर ऑफ ग्लेडियोलस इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, जो टोपल डिसऑर्डर है ग्लेडियोलस का वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑप्शन ए है बोरॉन, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, या ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो जो टोपल डिसऑर्डर है वो किसकी कमी से होता है, तो वो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फ्लावर नोन एज क्वीन ऑफ बल्बस प्लांट, क्वीन ऑफ बल्बस प्लांट कौन से फ्लावर को कहा जाता है। ऑप्शन ए है रोज, ऑप्शन बी है ग्लेडियोलस, ऑप्शन सी है क्राइसेंथम, या ऑप्शन डी है जरवेरा। तो क्वीन ऑफ बल्बस प्लांट कौन सा फ्लावर कहलाता है, तो वो कहलाता है ग्लेडियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ग्लेडियोलस रिक्वायर्स फुल एक्सपोजर ऑफ सनलाइट एंड परफॉर्म वेल विथ हार ऑफ फोटो पीरियड, जो ग्लेडियोलस है उसको कितने घंटे सनलाइट की आवश्यकता होती है, किसके लिए, परफॉर्म वेल विथ फोटो आर्ट, मतलब उसको उसमें फ्लोरिंग के लिए कितने घंटे सनलाइट की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए है 5 से 6 घंटे, ऑप्शन बी है 3 से 4 घंटे, ऑप्शन सी है 12 से 14 घंटे, या ऑप्शन डी है 7 से 10 घंटे। तो ग्लेडियोलस को कितने घंटे सनलाइट की आवश्यकता होती है फोटो पीरियड के लिए, तो वो होती है 12 से 14 घंटे। अगला प्रश्न आता है, टू द कंट्रोल लीप स्पॉट ऑफ ग्लेडियोलस मेनकोजेब इज एडेड पर लीटर ऑफ एंड स्प्रे, ग्लेडियोलस में लीप स्पॉट को कंट्रोल करने के लिए मेनकोजेब प्रति लीटर कितने हिसाब से डाला जाता है। ऑप्शन ए है 3 ग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन बी है 2 ग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन सी 1 ग्राम प्रति लीटर, या ऑप्शन डी है 4 ग्राम प्रति लीटर। तो जो मेनकोजेब की जो क्वांटिटी है पर लीटर वो होती है 2 ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी भी प्रश्न में कुछ त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, द ऑप्टिमम प्लांटिंग टाइम ऑफ ग्लेडियोलस इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में ग्लेडियोलस की जो प्लांटिंग टाइम है वो कौन से मंथ में होती है। ऑप्शन है मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी है सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन सी है जनवरी फरवरी, ऑप्शन डी है मई
जून, तो जो ग्लेडियोलस का जो ऑप्टिमम प्लांटिंग टाइम होता है नॉर्थ इंडियन प्लेन में, वो होता है सितंबर टू अक्टूबर, और ग्लेडियोलस का जो कॉमर्शियली प्रोपोगेशन होता है वो कॉर्म के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, कल्टीवार ऑफ ग्लेडियोलस इज रसिस्टेंट टू फ्यूजरम विल्ट, कौन सी वेराइटी फ्यूजरम विल्ट के प्रति रसिस्टेंट होती है? ऑप्शन ए है पूसा सुहागिन, ऑप्शन बी है धीरज, ऑप्शन सी है मयूर, या ऑप्शन डी है मनहर। तो जो धीरज है ये फ्यूजरम विल्ट के प्रति रसिस्टेंट वेराइटी है या कल्टीवर है। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ ग्लेडियोलस वेयर रिलीज फ्रॉम IARI नई दिल्ली, किन में से कौन सी वेराइटी IARI नई दिल्ली से रिलीज की गई? ऑप्शन ए है अप्सरा, शोभा, पूनम, ऑप्शन बी है मनोहर, मुक्ता, सदावर, ऑप्शन सी है अग्निरेखा, मयूर सुचिता, या ऑप्शन डी है आरती, सपना, नजराना। तो इनमें से जो कौन सा ग्रुप है जो IARI नई दिल्ली से रिलीज हुआ है, तो वो है अग्निरेखा, मयूर और सुचित्रा का जो ग्रुप है ये IARI न्यू दिल्ली से रिलीज हुआ है। अगला प्रश्न आता है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज केप्ट इन द प्लसिंग सॉल्यूशन ऑफ ग्लेडियोलस, सुक्रोज का कितना परसेंटेज रखा जाता है प्लसिंग सॉल्यूशन के लिए ग्लेडियोलस की फ्लोवर में? प्लसिंग क्या होता है कि जो वेस्ट लाइफ बढ़ाने के लिए जो सुक्रोज का या शुगर का जो सॉल्यूशन रखा जाता है वो कितने परसेंट होना चाहिए ताकि जो फ्लोवर है वो ज़्यादा दिन तक ताज़े बने रहें। ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 20%, या ऑप्शन डी है 30%। तो जो सुक्रोज का जो प्लसिंग सॉल्यूशन रखा जाता है ग्लेडियोलस के फ्लोवर की कंडीशन में, वह रखा जाता है 20%। वो कितना रखा जाता है? वो रखा जाता है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्ट लिली इज कॉमन नेम ऑफ, शॉर्ट लिली के नाम से कौन से फ्लावर को जाना जाता है? ऑप्शन ए है ट्यूबरोस, ऑप्शन बी है ग्लेडियोलस, ऑप्शन सी है मैरीगोल्ड, ऑप्शन डी है कार्नेशन। तो जो शॉर्ट लिली के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है ग्लेडियोलस को। किसको जाना जाता है? तो वो ग्लेडियोलस को जाना जाता है शॉर्ट लिली या तलवार लिली के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिकल सेप लिव इन ग्लेडियोलस आर सिम्टोम्स ऑफ, जो ग्लेडियोलस में सिकल सेप या हाशिए के आकार की पत्तियां किसके कारण से हो जाती है? ऑप्शन ए है स्टेम रोट, ऑप्शन बी है बैक्टीरियल बाइट, ऑप्शन सी है रूट रोट, या ऑप्शन डी है कॉलर रोट। तो जो सिकल सेल ब्लाइट है ये कौन सी डिसीज का सिम्टोम्स है? तो ये बैक्टीरियल ब्लाइट का सिम्टोम होता है हाशियाकार पत्तियां हो जाना या सिकल सेल ब्लू हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस का जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो कितना होता है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 15, या ऑप्शन डी है 26। तो मतलब जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो कितना होता है ग्लेडियोलस में? तो वो होता है 15, मीन्स 15। ग्लेडियोलस का जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है वो 15 होता है, और डिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर की बात की जाए तो वो 30 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अर्का मनोरमा इज हाइब्रिड ऑफ, अर्का मनोरमा कौन सी फ्लावर क्रॉप का हाइब्रिड है? ऑप्शन ए है ग्लेडियोलस, ऑप्शन बी है कार्नेशन, ऑप्शन सी है ट्यूबरोज, या ऑप्शन डी है क्राइसेंथेमम। तो जो अर्का मनोरमा है ये कौन सी फ्लावर क्रॉप का हाइब्रिड है? तो ये है ग्लेडियोलस का हाइब्रिड है। पिछले वीडियो में हम MCQs on क्राइजेंथियम को देख चुके हैं, तो अगर वो वीडियो आपको पूरा देखना है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप क्राइजेंथियम के MCQs की वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फूले प्रेरणा इज इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ, फूले प्रेरणा कौन सी फ्लोवर क्रॉप की इम्प्रूव्ड वेराइटी? ऑप्शन ए है ट्यूबरोज, ऑप्शन बी है ग्लेडियोलस, ऑप्शन सी है मेरीगोल्ड, या ऑप्शन डी है कार्नेशन। तो जो फूले प्रेरणा है ये भी ग्लेडियोलस की ही वेराइटी है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, हु इज द पोनियर ग्लेडियोलस ब्रीडर इन इंडिया, इनमें से कौन सा ग्लेडियोलस ब्रीडर है इंडिया में, पोनियर मतलब जिसने ग्लेडियोलस ब्रीडिंग की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है TM राव, ऑप्शन बी है SPS राघव, ऑप्शन सी है BK बनर्जी, या ऑप्शन डी है बजरंग बहादुर सिंह भंडारी। तो अगर ग्लेडियोलस के सबसे पहले ब्रीडर या पोनियर जिसने ग्लेडियोलस की ब्रीडिंग की शुरुआत की थी, तो वो है बजरंग बहादुर सिंह भंडारी। वो कौन है? बजरंग बहादुर सिंह भंडारी।
कई बार प्रश्न आ जाता है कि ग्लेडियो बजरंग बहादुर सिंह भंडारे का संबंध कौन सी फ्लावर क्रॉप से है, तो उनका संबंध ग्लेडियोलस से है। अगला प्रश्न आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेडियोलस स्पीसीज प्रोड्यूस स्ट्रेच कलर लाइक ग्रीन ब्राउन एंड स्लेट, तो इनमें से कौन सी ग्लेडियोलस की स्पीसीज है जिसके जो जो पेटल्स है या जो फ्लावर है उसके उसका कलर ग्रीन ब्राउन या स्लेट कलर का होता है। ऑप्शन है ग्लेडियोलस कार्डिनेलिस, ऑप्शन बी है ग्लेडियोलस केरनेस, ऑप्शन सी है ग्लेडियोलस ड्रेकोसेफेलस या ऑप्शन डी है ग्लेडियोलस स्टेलस। तो कौन सी स्पीसीज का जो फ्लावर कलर है वो ग्रीन ब्राउन और स्लेट कलर का होता है, तो वो होता है ग्लेडियोलस ड्रेकोसेफेलस। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, टिप बर्निंग ड्यू टू फ्लोराइड इंजरी इज ऑब्जर्विंग, टिप बर्निंग कौन सी फ्लावर क्रॉप में ऑब्जर्व की गई है जो कि फ्लोराइड के कारण से होती है। ऑप्शन ए है जरबेरा, ऑप्शन बी कार्नेशन, ऑप्शन सी है रोज या ऑप्शन डी है ग्लेडियोलस। तो जो फ्लोराइड के कारण जो टिप बर्निंग होती है वो होती है ग्लेडियोलस में। अगला प्रश्न आता है, हु कॉइन्ड द वर्ल्ड ग्लेडियोलस, जो ग्लेडियोलस शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो ऑप्शन ए है एलेक वॉन्ग, ऑप्शन बी है पीटर रामसे, ऑप्शन सी है प्लिनी द एल्डर या ऑप्शन डी है विलियम पे नील। तो जो ग्लेडियोलस शब्द है या ग्लेडियोलस वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये प्लिनी द एल्डर के द्वारा दिया गया था। जो ग्लेडियोलस वर्ड है ये लेटिन भाषा का शब्द है, ग्लेडियोलस कौन सी भाषा का शब्द है, तो ग्लेडियोलस लेटिन भाषा का शब्द है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, द ऑल मॉडर्न डे ग्लेडियोलस कल्टीवार डेजिनेटेड इन, जो जितने भी आज के समय में जो ग्लेडियोलस की जो मॉडर्न कल्टीवेटर है उसको किसके नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है ग्लेडियोलस ग्लैंडीफ्लोरस, ऑप्शन बी है ग्लेडियोलस हाइब्रिडस या ऑप्शन सी है ग्लेडियोलस फ्लोरिबंडास या ऑप्शन डी है ग्लेडियोलस कार्डिनेलिस। तो जो आज के समय में जितने भी ग्लेडियोलस की जितने भी वेराइटी है या जितने भी स्पीसीज है उसको ग्लेडियोलस ग्लैंडीफ्लोरस के नाम से जाना जाता है। किसी भी प्रश्न में कुछ त्रुटि लगे तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।